मार अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन अब जिंदा नहीं बचा है। और खैर इतना कोई पावरफुल आदमी भी नहीं है जो हमसे पंगा ले पाए। मिलिट्री की बात अलग है, वो अलग पावरफुल है। बाकी यार जो भी हो, उस बॉम्ब ब्लास्ट में डगन बॉस तो मारा ही गया, बट साथ में अपना एक बहुत खास दोस्त भी मारा गया। पर उसके मरने का मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि वो खास तो था बट बहुत मतलबी था। आज नहीं तो कल वो हमें जरूर धोखा देता, उससे बढ़िया कि वो मर ही गया। बाकी अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर आ रखा हूं और मेरे हाथ में कौन सा ब्रीफ केस है। तो ये ब्रीफ केस मुझे उसी फ्रेंड ने दिया था जिसको हमने डगन बॉस के साथ ही मार दिया। अब पता नहीं इस ब्रीफ केस में उसने क्या दिया है, खैर कुछ बहुत ज्यादा खास ही होगा जो कि अभी मैं चल के इसे खोलूंगा। बाकी ये वाला जो घर है ये डगन बॉस का हुआ करता था, बट अभी ये बिग माफिया के भाई ने ले लिया है। मैं तो सोच रहा था कि ये घर मैं ले लूं, बट लेस्टर ने मना कर दिया कि इसी को लेने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मुझे यहां से चलना होगा और साथ ही इससे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बात भी करनी है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खास है। ऑल राइट, तो डील के अकॉर्डिंग बिग माफिया के भाई ने मुझे पूरे के पूरे $1 million इस बैग में भर के दे दिए हैं। और यार अभी मुझे यहां से निकलना चाहिए, तो इसे लास्ट बाय बोलते हैं और यहां से चलते हैं। वेट, अभी आप लोग सोच रहे हो कि आखिर कौन से $1 million और कौन से डील की मैं बात कर रहा हूं। तो यार देखो, मैंने इसे साफ साफ बोल दिया है कि अगर अभी तुझे लॉस सैंटोस में अपना बिजनेस चलाना है तो हमारे नीचे काम करना होगा और हर महीने हमें $1 million पे करने होंगे बेमतलब के, जो कि ये लोग पहले हमारे साथ करते थे। और इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा रहेगा और साथ ही हम लोग बिग माफिया के बॉस रहेंगे, तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर आप लोग एक बार यार इसके पास गाड़ियां देखो कितनी ज्यादा है, हमारे पास भी यार इतनी ज्यादा गाड़ियां मेरे हिसाब से होनी चाहिए अपने पास अभी। उतनी वेट, मैं अपना एक बैग तो ऊपर उसके रूम में ही भुलाया, मुझे जल्दी से वो बैग लेकर आना होगा यार। और गाइस आज तो वैसे भी साल का लास्ट डे है, तो पक्का एक न्यू ईयर पार्टी तो बनती है। और आज के दिन मेरे और भी काफी सारे प्लान्स हैं, बट उससे पहले ये ब्रीफ केस ले लेते हैं। चल भाई बाय बाय, मिलते हैं सीधा अब नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं दोबारा आने वाला हूं यहां पर $1 million लेने के लिए। खैर उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है अगर वो हमारे नीचे नहीं काम करेगा तो उसको भी बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ के गुंडों से। अभी मेरे को ऐसा लगता है लोग बस हमसे ही डरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कोई गैंगस्टर बचा ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी यार अब यहाँ पर इसकी काफी सारी गाड़ियां तो खड़ी है, बट मेरे हिसाब से ना मुझे इसकी जी वैगन में जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है व्हाइट कलर की। जल्दी से अंदर चलते हैं, अपने बैग्स वगैरह भी अंदर ही रख देंगे। और भाई एक तो ना पुलिस की साउंड सुन के ऐसा डर लगता है, क्योंकि अभी 1-2 घंटे पहले ही हम लोग बहुत खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट करके आए हैं और ऐसा लगता है बस पुलिस हमें ही पकड़ने आ रही हो। खैर सब कुछ ओके, अभी हमें कैसे पकड़ लेगी यार, लेस्टर का मास्टरमाइंड प्लान था, ऐसे कैसे ढूंढ लेगी पुलिस। बाकी मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे पास अभी आज के दिन काफी सारे प्लान्स हैं, तो मैं सबसे पहले आपको प्लान्स बताता हूं। यहां से सीधा मैं जाने वाला हूं अभी रॉल्स रॉयस के शोरूम में और हम लोग वहां पर जाकर खरीदने वाले एक नई रॉयल कार, सबसे महंगा मॉडल या फिर सबसे लेटेस्ट मॉडल उठा लेंगे। खैर रॉल्स रॉयस तो यार कोई भी हो महंगी तो होगी। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक नया घर खरीदने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग को, अबे यार पुलिस वालों ने सायरन बजा बजा के लोगों की सबकी गाड़ियां रुकवा रखी है बीच रास्ते में। तो हाँ अपना सेकंड प्लान है एक नया घर खरीदने का, क्योंकि यार मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसके पास इतना बड़ा मेंशन है और हमारे पास वही छोटा पुराना घर। तो इसीलिए आज हम लोग एक नया क्या लॉस सैंटोस का सबसे महंगा घर खरीदने वाले हैं। और फिर माइकल की फैमिली भी वापस आ रही है, तो उसको सरप्राइज देने के लिए हम लोग आज एक पार्टी भी करने वाले हैं उसी घर में। बाकी ये मेरी गलती नहीं थी यार, वो खुद ही मेरी गाड़ी में आकर ठुके हैं। और उनकी गाड़ी कहां चली गई और अपनी गाड़ी पे एक भी डेंट ही नहीं आया भाई, कसम से ये गाड़ी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, फुल पावरफुल कार है। तो हाँ पार्टी होने वाली है और पार्टी में भी अपने सारे दोस्तों को मैं बुलाने वाला हूँ। यार आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा होने वाला है, दिन में एक नई गाड़ी, एक नया घर और रात में न्यू ईयर की मस्त पार्टी, वो भी नए वाले घर में नई गाड़ी के साथ। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं इसीलिए शोरूम। बट हाँ मुझे अपनी गोल्ड बिजनेस पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप लोग को याद होगा कि डगन बॉस के पास एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन शॉप थी जहां से वो गोल्ड माइन करके बेचता था, तो हमें उसी का बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है ताकि हम लोग भी वहां से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाए। बाकी अपना फरारी वाला शोरूम है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है, बट हाँ उससे पहले पहुंचते हैं यार लॉस सैंटोस, बाकी की बाद में देखेंगे। वेल, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा रॉल्स रॉयस के शोरूम में, बस मुझे यहां से शायद थोड़ा सा आगे और जाना है। बाकी मुझे इस कार की स्पीड कम कर लेनी चाहिए वरना एक्सीडेंट तो हो सकता है बट नुकसान सामने वाले का ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ थोड़ा बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। बाकी जहां तक मुझे लगता है शोरूम यहीं कहीं पर आसपास, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट से वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से हमें मतलब बाकियों में से हमें कौन सा वाला चूज करना चाहिए। लेट्स गो। ओके, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सेकंड वाले हाउस पे भी पहुंचने वाले हैं, चल के देखते हैं कि आखिरकार ये वाला घर कैसा है। फिलहाल मैं इसे दूर से देख के कैंसिल कर रहा हूं यार, देख रहे हो भाई अपना पुराने वाला घर भी इससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये घटिया है, बट अपना पहले वाला घर यार बहुत बढ़िया है, इससे पता नहीं कैसे कैसे दिखा रहा है, मैं इसको बोलता हूँ एकदम बेस्ट वाले भी लेकर चले यार। तो अभी ना मैंने 2 से 3 और बढ़िया बढ़िया घर रिजेक्ट कर दिए हैं, बट इस बारी ये हमें जिस घर पे लेकर जाने वाला है वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा और सबसे महंगा घर है। और ये कह रहा है कि ये इस पे इतनी देर से मैं इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि इसे लग रहा था हम लोग ये खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस है पूरे $1 billion। खैर इतना पैसा हमारे पास नहीं है, बट हम लोग धीरे धीरे इसे पे कर देंगे ना यार, दिक्कत कहां आ रही है। और वो जो घर है
वो है रिच मैन मेंशन। ये जो लेफ्ट साइड में आप घर देख पा रहे हो ना, ये पूरा घर इस टाइम पे खाली है और हम चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। ये काफी टाइम पहले लेस्टर के एक फ्रेंड का हुआ करता था, बट शायद मुझे भी नहीं लगता उसका था, वो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया था फिर चला भी गया हो, तो शायद वो रेंट पर आया होगा यहाँ पे। खैर अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से मोड़ते हैं। भाई ये घर देख रहे हो कब शुरू हुआ था और अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। अंदर पूरा ये एक वैसे सच्ची में कासल लगता है मुझे। खैर अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये घर अंदर से कैसा है। मैंने एक बार पहले भी देखा हुआ है, बट ये कह रहा है कि ये अभी अंदर से पूरा रेनोवेट हो चुका है और काफी ज्यादा चेंज हो गया है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो और भी काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले से। खैर वो सब अभी हमें अंदर ही जाके मालूम पड़ने वाला है। लेट्स गो, अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ते हैं। और अब तो मैं भाई फाइनल हूँ, हमें यही वाला घर लेना है, क्योंकि ये देख रहे हो इसको कोई ना बोल ही नहीं सकता और ऐसा लग भी रहा है कि गाड़ी शायद इसी घर के लिए बनी है। भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो घर है वो हमारा होने वाला है, बट मैं इसे पेमेंट करूंगा कहां से मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अपने पास इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स पड़े हैं हमारे बैंक में, बाकी पूरे 1 बिलियन डॉलर्स पता नहीं मैं इसको कैसे पे करने वाला हूं। हमें लेस्टर से मालूम पड़ने वाली है, जल्दी से लेस्टर को कॉल करते और देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर लाइक करना, चैनल भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वेट, लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों ने लाइक गोल जल्दी से कंप्लीट कर दिया था, तो इस बार भी लाइक गोल कंप्लीट करना है। लाइक एम है 1.5 मिलियन लाइक का, तो जल्दी से जाके सभी लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। एंड कमेंट्स में जाके जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा। बाकी